पोहरी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत पोहरी शिवपुरी मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत आंकुर्सी के ग्रामीण इंदनो मड़ीखेड़ा समूह जल आवर्धन योजना के ठेकेदार की मनमानी से परेशान है। दरअसल गांव में नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार के द्वारा गांव के मुख्य रास्ते को खोद दिया गया, जिससे मुख्य रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ठेकेदार को के द्वारा ग्रामीणों का आश्वासन दिया गया उसके द्वारा रास्ते को सही कराया जाएगा, लेकिन ठेकेदार के द्वारा रास्ते की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे मुख्य रास्ते में हुए गड्ढों में पानी और कीचड़ जमा हो गया, जिससे लोगों को पैदल चलने में परेशानी होती है। वहीं मुख्य मार्ग पर हुए गड्ढों के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। मुख्य रास्ते में हुए गड्ढों में भरे पानी और कीचड़ से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में फैली गंदगी और मुख्य रास्ते में हो रहे गड्ढों की शिकायत जनपद से लेकर जिला कलेक्टर के यहां जन सुनवाई में दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरा नाम सतीश शर्मा है। तो यहीं के निवासी हो आप? ग्राम आकुर्सी का रहने वाला हूँ। तो क्या समस्या आती है आपको? समस्या गाड़ी को निकालने में बहुत परेशानी आती है, पलट जाती है कई बार, गाड़ी कट जाती है, 10-10 आदमी को बुला के कुछ निकालना पड़ता है। कब से है ऐसी समस्या आपकी? ये 3 महीने हो गए। कौन सा गाँव जी? आकुर्सी। तो क्या समस्या है? यही कपड़े की जहाँ मर रहा है, मुझे गिट उठत है, जहाँ रास्ता ही नहीं आ रही, खुलाइया मैंने पे जे सी सी और बाल ठेकेदार ने पैसा ले ले और मुझे काम करो नहीं। कितने पैसे निकाल लिए, इतना जानकारी है? निकाल ले, अब हम जान तक लेके पड़ी नहीं। तो पहले कैसी थी? पहले अच्छी है, बढ़िया सी सी पहले ठीक थी। हाँ, पहले बढ़िया आई थी। और अब क्या कर दिया उसने? अब वो सगा जा खोदगा अटैची से और बस जो नहीं डारेगा डारेगा कह दे मैं सीसी करता हूं, सीसी कर ही लेंगे। सीसी कह रो गड्ढा ही गड्ढा। कौन सा गांव है ये? ग्राम आकुर्सी। क्या क्या समस्या है? समस्या साहब ये है, पहले हमने सीसी की क्या क्या जो खुदवा भी किया था कि खोल लें, फिर इसके बाद हम सीसी डलवा लेंगे, तो मैं ये है जो वो रास्ता थे ऐसे ही हम करेंगे दे देंगे। साहब ने करवाई नहीं है, हमें चूतिया बना गए, हमारे सब खुल्ले में फसल लावे में हुआ। कितने महीने हो गए इसको खुदे हुए? इसको कम से कम 4 महीने हो गए था। 4 महीने? क्या कहता है ठेकेदार? ठेकेदार वो जो बताता है मैं आज आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, रोज। नाम मालूम है ठेकेदार का? सुमित सबरे बताते हैं, रविंद्र सबरे। अच्छा, फिर अब अभी तक आए नहीं है, हमें कुल्ले में पानी ले जाने में दिक्कत आ रही है, हमारी औरतों को अभी फिसल फिसल के एक दो और हमें और फिसल फिसल के पैर फ्रैक्चर हो गए उनकी औरतन के, अभी मैं सामने लाऊंगा उनको। हाँ, ऐसी समस्या आ रही है साहब। प्रकाश ये कौन सा गांव है? हाँ, कुर्सी। तो क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या का यार सब हमने जो स्वामी मैं तो 2-4 बजे तो ग्रेवेट इकट्ठा ले लेके और मान तो गत नहीं है, हमारी सब देखा लाई हमने, ठेकेदार बात तो फॉर्मेलिटी पूरी करके बग जाता। तो ठेकेदार ने ये अभी तो सीसी कितने महीने हो गए इसको खोदे हुए? 4 महीने हो गए, पूरी बरसात के परेशान है। परवान का क्या दीवाली बात हुई ठेकेदार से तुम्हारी? जिनकी भाई आदमी आते काम कर्मचारी बीजी बात कहते हैं भाई साहब कर रहे हैं और खदने दस ने कदू नहीं है, वो जो डाल डाल राख थी जो हो रही है। 8 महीना कौन सा गांव जी? हाँ, कुत्ती। तो क्या समस्या है भाई जी? देख रहे किस गिर गिर रही हो, किस मतलब जाम गिर मत और बच्चे खा रहा सब खा रहा है। अच्छा, और बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया। कितने महीना रही अस्पताल में भर्ती? अस्पताल में रही एक महीना। पानी वानी कहाँ से लाती हो? पानी पंप पे लाता हूँ, जैसे गिर बैठ तो दाम गैर में गिर बैठ तो जेल लेकर। अच्छा,